ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज दिन रविवार है और आज मैं आपको एक ऐसा मोहिनी मंत्र दूंगा जो कि आपके लिए एक वरदान साबित होगा। यूँ तो मैंने आपको लाखों मोहिनी मंत्र दिए हैं, लेकिन ये जो मोहिनी मंत्र है ये विशेष है। इसमें माँ भगवती जो है वो आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण करने का पूरा सामर्थ्य रखती हैं। इसमें जो है मोहिनी को आप आदेश देते हैं कि आपका जो भी साध्य है, चाहे वो पाताल में ही क्यों ना हो, उसको भी ढूंढ कर ये मंत्र आपके समीप ले आता है। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र काम करने वाला ये मोहिनी मंत्र आज मैं आपको बताऊंगा। ये लगभग 7-8 साल पहले मैंने सिद्ध किया था और इसके बाद जिस जिस को मैंने ये दिया वो इससे लाभान्वित हुआ है और आज मैं इसको पब्लिक डोमेन में दूंगा, जो कि इसके बाद इसकी काफ़ी सारी कॉपियां आपको देखने को मिल जाएंगी। इस मंत्र का कभी भी किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग ना करें। ये मंत्र जो है ये मोहिनी मंत्र विद्या की देवी सरस्वती का है, लेकिन इसमें दो शक्तियां एक साथ चलती हैं, एक तो माँ भगवती और दूसरा जो है मोहिनी। इन दो शक्तियों को एक साथ जब आप किसी पर लगा देते हैं तो आपका कोई भी ऐसा मनोरथ हो जो कि सालों से पूरा ना हो रहा हो, किसी से शादी करनी हो लेकिन बीच में जो है कुछ ऐसी विडंबना आ रही हो, कुछ ऐसी अड़चनें आ रही हो जिससे कि बात बन ना रही हो, उस समय पर इस मंत्र को आप आंख मूंद कर लगा सकते हैं। मैंने जिस जिस पर इस मंत्र का प्रयोग किया है वो ना दिन देखता है ना रात और बस साध्य के वश में हो जाता है। इस मंत्र में एक ऐसी विशेष खूबी है जो कि और किसी मंत्र में नहीं है। अगर कोई पाताल में जाकर भी छुप जाए तो भी ये मंत्र अपना काम करेगा, चाहे कितना ही दूर, कितनी ही दूरी क्यों ना हो आपसे। यदि आपका साथी जो है वो कहीं दूर चला गया हो और आपसे बात ना कर रहा हो, आपसे दूर जा रहा हो, तब ये मंत्र बहुत ही कारगर साबित हुआ है। जो भी साधक हैं, जो भी जिज्ञासु हैं, वो इसका प्रयोग करना चाहते हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि इसकी जो विधि है वो बड़ी ही सरल है और इसे कोई भी कर सकता है। किंतु जब भी आप इस साधना को प्रारंभ करें तो आप एकांत वासी या एकांत गामी बन जाएं। यदि गृहस्थ में है तो कोई ऐसा कमरा बनाएं जिसमें कि कोई आता जाता ना हो, और किसी नदी तट पर, किसी बीहड़ में, किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर कि कोई दूसरा आदमी ना हो। ऐसा कोई अपना स्थान बनाए जहां पर कि सिर्फ आप अकेले हों, क्योंकि अकेले में जो है शक्तियां बहुत शीघ्र अतिशीघ्र आती हैं। तो एक ऐसा वन प्रदेश ढूंढे, कुछ ऐसा कोई ऐसी पहाड़ी ढूंढे, कोई ऐसी गुफा ढूंढे जिसमें कि आप एकांत में रहना सीख जाएं। मतलब चाहे वो आपका घर ही हो, कोई कमरा हो, लेकिन जब ये साधना हो तो आप अकेले हों, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। क्योंकि जब आप इस साधना को शुरू करते हैं और कोई दूसरी आत्मा, चाहे वो कोई भी हो, उसके संपर्क में आते हैं तो ये चीज़ें जो हैं काम नहीं करती हैं। जब भी इस मंत्र का संकल्प लें उसके बाद जो है आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। संकल्प लेने के बाद आपको जो है इसमें सिद्धि अवश्य मिलेगी।
बस आपको जो है सात्विक रहना है, किसी भी तरह का मादक पदार्थ, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट इनसे दूर रहें और एक सात्विक जीवन जिए। मांस मदिरा का कतई सेवन ना करें। आइए आपको मंत्र बता देता हूँ। मंत्र अति गोपनीय है, किंतु जितने भी मेरे साधक हैं, जितने भी मेरे चेले चपाटे हैं, उन सबको मैं ये देना चाहूँगा। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम वद वद वागवादिनी सप्त पाताल भेदिनी सर्वराजा मोहिनी अमुक मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अमुक की जगह जो भी आपका साध्य हो, जिसको भी आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो, उसका नाम लेना है। मंत्र एक बार फिर से ओम ह्रीम श्रीम वद वद वागवादिनी सप्त पाताल भेदिनी सर्वराजा मोहिनी अमुक मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इससे जो है, चाहे आपका इच्छित व्यक्ति कितनी ही दूर, कोसों दूर बैठा हो, आप यदि आप भारत में हैं और कोई इंग्लैंड में जाके बैठ गया है, तो भी इसको चलाया जा सकता है और इसके प्रभाव जो हैं बहुत ही शीघ्र आपको मिल जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि जब भी ये साधना प्रारंभ करें, तो उससे पहले एक अपना एक स्थान बना लें, जैसे मैंने पहले आपको बताया। स्थान बनाने के बाद आपको जो है अपना मुखमंडल सूर्य की तरफ रखना है और एक जगह ऐसी बनाएं जहाँ पर कि लाल रंग का आसन बिछा हो, आपका जो सिर है वो भी लाल कपड़े से ढका हो, और इस मंत्र की 11 माला आपको रोज जाप करनी है, एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित समय पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप ऑफिस से 6 बजे आए हैं तो 6 बजे कर लिया, 7 बजे आए हैं तो 7 बजे कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक निश्चित स्थान होना चाहिए, एक निश्चित समय होना चाहिए। उस समय पर जब आप इसका गुंफन करते हैं, तो इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसा चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है जो कि आपकी इच्छित वस्तु को आप तक पहुंचाने में आपकी मदद करता है। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा, मतलब आज के जो युग में आप देख रहे हैं जो चीज़ें हैं, वो इस चीज़ को समझ भी नहीं पाएंगे। ये एक ऐसा विज्ञान है जिस पर कि कभी प्रकाश ही नहीं डाला गया। अगर आज की आप टेक्नोलॉजी देखें और इस साइंस को देखें, तो ये बहुत आगे है, इतना उमदा है कि इसका विवरण भी कहीं नहीं मिलेगा। तो अपने मस्तिष्क के घोड़ों को ज़्यादा ना दौड़ाएं और जैसा मैं कह रहा हूँ सिर्फ वैसा करें, तो आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। 11 माला रोज इसकी जाप करना है एक ही समय पर, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त हो या फिर जिस भी एक समय पर आप अवेलेबल हो, उसके एक जगह पर बैठिए, एक दिया जलाएं, उस पर अपनी हथेली रखें राइट हैंड की और उस पर ऊर्जा को महसूस करें, उसमें अग्नि को साक्षी मानकर इस मंत्र का प्रारंभ करें। रोज आपको करना है, मतलब जैसे ही आप बैठें, दिया जलाएं, मिट्टी का होना चाहिए, चाहे सरसों का जलाएं, चाहे घी का जलाएं, और उस पर अपना राइट हैंड रखकर, मतलब जलाना नहीं है, ऊपर रखकर, और फिर मंत्र बोलना है और कहना है कि मुझे इस साधना में, मैं आपको साक्षी मान रहा हूँ और मुझे इसमें सफलता प्रदान करें और किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को मुझसे दूर रखें, और इस मंत्र का प्रारंभ कर दें। 11 माला जाप होने के बाद आपको उसी दिए पर, यदि वो जल रहा है, तो उस पर अपना हाथ रखकर उस ऊर्जा को महसूस करना है और अपने पूरे शरीर पर इसको लगाना है। यदि नित्य 11 दिनों तक इस अनुष्ठान को किया जाए, तो असाध्य से असाध्य लगने वाला कार्य भी सिद्ध हो जाता है। असंख्य लोगों पर आजमाने के बाद फिर आपको ये प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। आप इसे बुधवार से शुरू कर सकते हैं, या कोई ऐसा होली दिवाली हो, कोई ऐसा नक्षत्र हो जो कि लाभकारी हो, उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। और बहुत ही बेहतरीन असर दिखाने वाला ये प्रोसेस है, जो कि कभी भी खाली नहीं जाता।
यदि कहीं त्रुटि हुई हो या फिर कहीं कुछ पूछना हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं info@mohiniwidya.com पर। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 9992841625 पर। धन्यवाद।